हेलो दोस्तों, हम सभी गूगल की कई सेवाओं का रोजाना उपयोग करते हैं, फिर चाहे वो गूगल मैप हो, जीमेल हो या कुछ और। इन सब के बीच कभी आपके भीतर भी ये सवाल उठा होगा कि जीमेल और ईमेल में क्या फर्क होता है। हम अक्सर इन दोनों को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे में आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जीमेल और ईमेल में क्या अंतर होता है। आपको बता दें कि ईमेल का अर्थ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करके मैसेज भेजते हैं तो वह ईमेल कहलाएगा। ये एक एड्रेस होता है, जैसे कि xyz123...। इस एड्रेस का इस्तेमाल हम सूचना को भेजने के लिए करते हैं। हालांकि जिस माध्यम से हम सूचना को भेजते हैं उसका पता भी हमें इसके साथ साथ जोड़ना होता है। वहीं बात अगर जीमेल की करें तो ये ईमेल के मैसेज को भेजने का कार्य करता है। इसे आप इस उदाहरण से समझिए, हमारे ईमेल एड्रेस के बाद @gmail.com लगा हुआ होता है। इससे ये पता चलता है कि हमारे उस मैसेज को भेजने का काम गूगल कर रहा है। वहीं अगर हमारे ईमेल एड्रेस के बाद @outlook.com लगा हो तो हमारे मैसेज को माइक्रोसॉफ्ट भेजने का काम कर रहा है। ऐसे में जीमेल हमारे मैसेज को भेजने का कार्य करता है, वहीं ईमेल हमारा पता होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।